हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लांस के लेक्चर सीरीज में। आज के इस हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में हम न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि हमें इसमें किस किस चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है और उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले ही चैप्टर में हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था और साथ ही साथ लिटरेचर भी लिखा जा रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी जो चीज़ जो नए नए आइडियाज़ को ला रही थी, इट वाज एक्चुअली द वैदिक लिटरेचर। जैसे कि हमने देखा कि चार इंपॉर्टेंट वेदा से ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा, और ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस। तो यहाँ से हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अलॉन्ग विथ वेदास देर वर ऑल्सो सम डिफरेंट थिंग्स दैट वर हैपनिंग। ब्राह्मणास, आर्यंकास, वेदांगास, उपवेदास, इतिहास और पुराणास वगैरह भी लिखे जा रहे थे, लेकिन इनमें सबसे क्रूशियल जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से डील कर रहा था, इट वॉज एक्चुअली उपनिषद, जो कि लेटर अर्ली वैदिक टाइम में लिखे गए थे। उपनिषद का माना कमिंग नियर एंड सिटिंग या फिर अप्रोचिंग एंड सिटिंग देर। जब एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास था तो वहां पर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स जो थे वो बात किए जाते थे, यानी कि रिलीजियस से हटकर, रिलीजियस से ऊपर जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का रिलेशन था, हमें इस उपवेदास में देखने या फिर हमें इस उपनिषद में देखने को मिलता है। तो दिस इज वन सच थिंग दैट हैज हैपेंड दैट हैज रिवोल्यूशनराइज सनातन धर्म या फिर हिंदुइज्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली एट दिस सेम पॉइंट ऑफ टाइम श्रमणा मूवमेंट जो थे वो एक्टिवली चल रहे थे, यानी कि जो ऋग्वेदा या फिर जो वैदिक सोसाइटी या फिर जो वैदिक रिलीजन्स थे, खासकर वहाँ पर ब्राह्मण डोमिनेशन हो रहा था, सैक्रीफाइसेस, रिचुअल्स हद से ज़्यादा हो रहे थे। तो इन सभी मॉडर्न आइडियाज़ को नए नए लोग जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, और उनमें से दो प्रोमिनेंट जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा, जो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट से स्टालवर्ट्स भी माने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने यही सवाल दिए हुए थे कि नए नए क्वेश्चंस और नए नए आइडियाज आए हुए थे कि किस लिए ब्राह्मण सुप्रीमेसी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, वेदास लिटरली जो है उसमें क्या फ्लॉ है, और किस तरीके से हमें एक मॉडरेट लाइफ जीना है। इन सभी के बारे में इम्परमानेंस एंड लाइफ सफरिंग, उन्होंने यही कहा कि इंसान की जिंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई है, और सबसे बेटर उसके लिए अगर कुछ है तो इट इज एक्चुअली द मिडिल पाथ, नीदर द एक्सट्रीम ऑफ द एनी ऑफ द साइड। कंप्लीट कंटेंटमेंट थ्रू एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग द वे अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स। अगर खुशी इन सही टर्म्स में पानी है तो आपको चाहिए कि यू गिव अप एवरी वर्ल्डली थिंग। फोर नोबल ट्रूथ्स और एट फोल्ड पाथ टू निर्वाण उन्होंने दिया हुआ था, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और री इंकारनेशन की भी वहां पर उन्होंने बात की हुई थी। और ज़्यादातर इन दोनों रिलीजन में क्रिएशन को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया है रादर देन क्रिएटर। तो फोर नोबल ट्रूथ जो कि गौतम बुद्धा ने सिखाए हुए थे, दुखा सफरिंग एग्जिस्ट फॉर एवरी वन, समुदाय दैट इज दिस इज कॉज ऑफ द सफरिंग, सफरिंग्स का कॉज सबसे इंपॉर्टेंट दुख है और विशेष है, निरोधा दैट इज दिस इज एन एंड टू द सफरिंग, एंड मग्गा इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग यू मस्ट फॉलो द एट फोल्ड पाथ। तो ये दिस वर एक्चुअली फोर नोबल ट्रूथ दैट वर फॉलोड बाई और टॉट बाई बुद्धा। और एट फोल्ड पाथ बुद्धा ने जो दिया हुआ था, सबसे पहला राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। दीज एट पाथ्स और दीज एट फोल्ड पाथ्स वर वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट टू अटेन निर्वाणा या कैवल्य। एंड सिमिलरली ऑन द सेम लाइन्स जैनिज्म की भी पैदाइश हमें देखने को मिलती है। जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास है, और 24th तीर्थंकरा या फिर जो 24th मास्टर थे वो वर्धमान महावीरा थे। तो बेसिक टेनेंट्स आप देख लीजिएगा, देर इज नो क्रिएटर, दिस इज वॉट जैनिज्म बिलीव्स, सस्टेनर और द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, देर इज नो सुपर पावर, यानी कि क्रिएशन जो है वो एक एब्सोल्यूट साइकिल में चलता है, देर इज नो मिडलिंग इन बिटवीन दैट, देर इज नो बिगिनिंग और एंड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि कंटिन्यूस साइकिल की तरह चल रहा है। यूनिवर्स रन्स ऑटो पायलट ऑन फाइव थिंग्स, पांच इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जिस पर ये यूनिवर्स निर्भर करता है। सबसे पहला टाइम, इनहेरेंट नेचर, डेस्टिनी, कर्मा एंड सेल्फ एफर्ट। देर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर कर्मा। तो यहाँ पर भी लाइफ आफ्टर डेथ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है, और स्पेसिफिकली एज ऑफ नाउ इस लाइफ में, वर्ल्डली लाइफ में आपके कर्मा पर ही डिपेंड करेगा। एवरी एक्शन ऑफ माइंड, स्पीच और बॉडी रिजल्ट्स इन बॉन्डेज ऑफ कर्मा टू द सोल। यहाँ पर भी वर्ल्डली चीजों को छोड़कर जो है प्योर हैप्पीनेस पाने की बात की गई थी। एंड सिमिलरली पांच इंपॉर्टेंट से आइडियल्स हैं या फिर पांच इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के। सबसे पहला अहिंसा, यू शुड फॉलो नॉन वायलेंस, सत्य, हमेशा आपको ट्रूथ ही बोलना चाहिए, आस्थे या आप चोरी नहीं कर सकते, नॉन स्टीलिंग एंड नॉट टू रिसीव एनीथिंग विच वॉज नॉट वॉलेंटरली गिवन, यानी कि आप छीन नहीं सकते, अपरिग्रह, नॉन पोसेशन, आपके पास खुद भी कुछ भी ना रखें, वेल्थ हो, पैसा हो, कुछ भी ना हो। एंड फाइनली ब्रह्मचार्य सेलेबसी, जो पहले आए हुए थे 23 तीर्थंकर, उन्होंने ये चार दिए हुए थे, और वर्धमान महावीरा ने ये फिफ्थ वन ऐड किया हुआ था, दैट इज ब्रह्मचार्य सिलेबसी। तो ये थी चंद बातें जो आपको इस लेक्चर में जाननी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।